इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है ये खुद को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सरकमस्टेंसेस मतलब समझे नहीं देखो मान के चलो आपके घर पे एक बॉक्स रखा है बड़ा है सा बॉक्स है ठीक है आपने कहा कि ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इसको रोक रखा है ठीक है बहुत बढ़िया एक छोटा सा बच्चा आया उसने उसको धक्का मारा उस बच्चे ने कहा कि भाई मुझसे तो मूव नहीं हो रहा अब मान लो उस बच्चे ने सिर्फ पाँच न्यूटन का फोर्स लगाया था

पचास न्यूटन का नहीं है तो आपका फोर्स ज्यादा हो जाता आप इसको मूव कर लेते पर क्वेश्चन ये है कि जब उस बच्चे ने पांच न्यूटन लगाया था तब उस फ्रिक्शन ने भी पांच ही न्यूटन लगाया क्योंकि अगर फ्रिक्शन तब 50 न्यूटन लगाता तो भाई फ्रिक्शन ही इसको आगे चला देता ऐसा तो हम नॉर्मली देखते नहीं है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब तक ये चीज रुकी है तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है ये खुद को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दी अप्लाइड फोर्स इनफैक्ट अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ आप लोगों के सामने स्टैटिक फ्रिक्शन का तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ पता है कैसा बनता है ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर जाता है एक बम्प लेता है उसके बाद पर ऐसा हो जाता है ठीक है अब नोटिस करने की चीज इसमें क्या है इसमें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और यहाँ पे है मेरा सॉरी यहाँ पे है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ और यहाँ अप्लाइड फोर्स तो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूँ नोटिस करते जाओ अप्लाइड फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है जैसे इस केस में दिख रहा था आपको एक पॉइंट तक ये मैक्सिमम होगा है ना इस पॉइंट के बाद ये हल्का सा गिर जाता है और उसके बाद ये काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन बन बन जाता है। बन जाता है 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 से ठीक तो इसके बाद ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रह जाता तो समझ में आ गया कि हाँ ये एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है ये लिमिट तक आप सोचो ना कि कोई भाई खाली आ गया मान लो बहुत पावरफुल बंदा है वो तो उसने क्या किया इसके ऊपर वन थाउजेंड न्यूटन फोर्स लगाया और ये हिल गया ये चल गया उससे इसका मतलब है कि किसी लिमिट तक पहुंचता है उसके बाद ये खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा टाइम तक ये फोर्स किस टाइप का है ये इतने पूरे जोन में स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स था और हमने देख लिया स्टैटिक जो है, है इसीलिए बोला गया दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटअसएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर